दोस्तों आखिरकार जिस बाइक का इंतज़ार था उसे आज लॉन्च कर दिया गया है। जी दोस्तों, हम बात करने वाले हैं TVS की तरफ से जो न्यू बाइक लॉन्च की गई है 125 सीसी में। इस बाइक का नाम अब ऑफिशियल रिवील्ड कर दिया गया। तो दोस्तों, ये है TVS की रेडर जिसे 125 सीसी में लॉन्च किया गया है और इसका एक्स शोरूम प्राइस 77,500 रुपये की कीमत में इंडिया में लॉन्च किया गया है। इस बाइक में आपको 3 वेरियंट देखने को मिलता है और इस बाइक में आपको 4 कलर ऑप्शन देखने को मिल जाता है। इसमें आपको 125 सीसी का इंजन लगा हुआ देखने को मिल जाता है, बट इस छोटी सी बाइक में आपको ढेर सारे फीचर देखने को मिल जाता है। इसके टॉप मॉडल जो है उसमें आपको स्मार्ट कनेक्ट जो फीचर होता है वो भी इसमें देखने को मिल जाएगा। बाकी वेरिएंट और कीमत के बारे में बात करें तो ड्रम ब्रेक वेरिएंट जो है उसका 77,500 रुपये एक्स शोरूम प्राइस है, बाकी डिस्क ब्रेक का जो है वो अलग प्राइस है। इसमें आपको ड्रम ब्रेक में आपको 4 कलर ऑप्शन देखने को मिल जाता है, रेड, ब्लू, ब्लैक और येलो। और उसके आगे अगर हम बात करें इसके डिज़ाइन की, तो TVS ने रेडर को आधुनिक डिज़ाइन दिया गया है जो युवाओं को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। इस बाइक के फ्रंट में आपको फुली LED का सेटअप देखने को मिल जाता है। फ्रंट में आपको LED हेडलाइट और साथ में ही आपको LED DRL भी देखने को मिल जाता है। यहाँ पर जो DRL है वो भी LED में है, बट यहाँ पर आपको स्प्लिट में देखने को मिलता है, दो अलग अलग DRL देखने को मिलते हैं। वहीं अगर इसके बैक साइड अगर हम चलते हैं टेल लाइट के बारे में बात करते हैं, तो टेल लाइट में भी आपको LED का यूज़ देखने को मिल जाता है जो कि इस बाइक को फुली LED सेटअप देखने को बनाता है। बट यहाँ पे अगर हम इंडिकेटर के बारे में बात करते हैं तो आपको यहाँ पे हेलोजन बल्ब देखने को मिलता है जो कि येलो कलर में इसका इंडिकेटर जलेगा जब आप इसको ऑन करेंगे। कुछ और फीचर्स के बारे में बात करें तो इस बाइक में आपको 10 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी देखने को मिल जाता है। सिंगल पीस हैंडल बार दिया गया है, डुअल टोन वाला सामने का मडगार्ड है, क्रैश प्रोटेक्टर इसमें दिया गया है, इंजन सम्स गार्ड दिया गया है, स्प्लिट सीट, ऊपर उठे हुए एग्जॉस्ट, साड़ी गार्ड, 17 इंच के पहिए और हेलोजिन टर्न सिग्नल इंडिकेटर भी आपको इस बाइक में देखने को मिल जाता है। इसके अलावा इस बाइक में आपको दो राइडिंग मोड भी देखने को मिलते हैं, इको और पावर। इको मोड में कंपनी बता रही है कि सबसे अच्छा माइलेज मिलने वाला है, चाहे आप भीड़ वाले इलाके में भी क्यों ना आप ट्रैफिक वाले इलाके में क्यों ना ड्राइव करें या राइड करें, आपको इसमें अच्छा खासा माइलेज मिल जाएगा। पावर मोड में है जो कि कंपनी की तरफ से क्लेम किया जा रहा है कि 10% आपको ज़्यादा पावर देखने को मिलेगा इको मोड से, मतलब थोड़ा सा एक्सलेरेशन और पिकअप आपको इसमें ज़्यादा देखने को मिलने वाला है। बट बेस्ट माइलेज के लिए आपको इको मोड में ही ड्राइव करना होगा। 70 के स्पीड तक आप इको मोड में अगर ड्राइव करते हैं तो भी आपको इसमें अच्छा खासा माइलेज मिल जाएगा, जैसा कि आप यहाँ पे स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। साथ ही इस बाइक में आपको वॉइस असिस्ट कमांड वाला भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है जो ऐप के थ्रू कनेक्ट हो जाएगा और आप इसमें अपने वॉइस से इस बाइक को कंट्रोल कर पाएंगे, चला पाएंगे। और जैसा कि पहले भी आपको एंटोर्क जो रेस XP 125 आया है उसमें जो फीचर देखने को मिलता है वो फीचर भी आपको इसमें देखने को मिल रहा है। साथ ही इसमें आप अपने डॉक्यूमेंट को सेव कर सकते हैं और सारा जो प्रोसेस है इनका जो ऐप है TVS का, उसके ऐप के थ्रू आपको सारा कुछ उसमें देखने को मिल जाएगा। सारा डॉक्यूमेंट्स आप उसमें सेव कर सकते हैं और यहाँ पे आप सारा कुछ स्क्रीन पे वो शो होता हुआ दिख जाएगा, कॉल अलर्ट मैसेज वगैरह ये सारा कुछ आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। मान के चलिए, समझ जाइए कि जो रेस XP 125 था उसमें वाला जो फीचर है इसमें भी आपको देखने को मिलता है। साथ ही इस बाइक में आपको नेविगेशन वाला भी फीचर्स देखने को मिल जाएगा। तो आप मान के चलिए कि सारा जो फीचर है आपको इस बाइक में देखने को मिल जाता है। और इसका जो बेस वेरिएंट है उसमें अगर इंस्ट्रूमेंट कंसोल के बारे में बात करते हैं, उसमें आपको नेगेटिव LCD क्लस्टर देखने को मिलता है। वहीं इसके जो टॉप एंड वेरिएंट है उसमें आपको 5 इंच का TFT कलर कंसोल देखने को मिल जाता है। वहीं इस बाइक में आपको मोनोशॉक सस्पेंशन देखने को मिलता है और जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो 180 mm का ग्राउंड क्लियरेंस दिया गया है। 0 to 60 ये बाइक 5.9 सेकंड में चली जाती है। वहीं इसके इंजन के बारे में बात करें तो 124.8 cc का आपको इसमें इंजन देखने को मिलता है। साथ ही इस बाइक में 3 वेल्व वाला यूनिट दिया गया है, एयर कूल्ड आपको इसमें इंजन देखने को मिल जाता है। वहीं पावर फिगर के बारे में बात करें तो 11.4 PS का पावर आपको 7000 RPM पे देखने को मिल जाएगा और 11.2 न्यूटन मीटर का टॉर्क आपको 6000 RPM पे देखने को मिल जाता है इस बाइक में। साथ ही अगर बात करें कि इसके डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल में आपको क्या कुछ देखने को मिलता है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं जो टॉप मॉडल है उसमें आपको 5 इंच का TFT स्क्रीन तो मिलता ही है, बाकी जो इसका जो लोअर वेरिएंट है उसमें आपको नेगेटिव LED यूनिट देखने को मिलता है। हालांकि दोनों ही यूनिट में चालक को ढेर सारी जानकारी मिलती है, जैसा कि आपको इसमें कई ट्रिप मीटर देखने को मिल जाएगा, गियर पोजिशन इंडिकेटर, साइड स्टैंड कट ऑफ स्विच वाला इंडिकेटर, टाइम टेकोमीटर, माइलेज, फ्यूल रेज, ये सारा कुछ आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। इसके TFT डिस्प्ले को TVS के ऐप के माध्यम से स्मार्टफोन से जोड़ा जा सकता है, जैसा कि आपको जोड़ने के बाद आपको इसमें टर्न बाय टर्न नेविगेशन देखने को मिल जाएगा, वॉइस असिस्ट देखने को मिल जाएगा, कॉल मैनेजमेंट, मैसेज नोटिफिकेशन अलर्ट, हाई स्पीड अलर्ट, लो फ्यूल असिस्ट और डिजिटल डॉक्यूमेंट स्टोरेज भी देखने को मिल जाता है।
इसके TFT डिस्प्ले में आपको ऑटो ब्राइटनेस का भी विकल्प दिया गया है, साथ ही दिन और रात मोड जो होता है उसमें आपको उपयोग करने में आसानी हो इसलिए आप इसमें जो इसका इंस्ट्रूमेंट कंसोल है उसके कलर को भी आप चेंज कर सकते हैं। अगर आप दिन में राइड कर रहे हैं तो इसमें जो है उसका ब्राइटनेस बढ़ा सकते हैं, और जो रात में अगर आप राइड करते हैं तो आप इसके ब्राइटनेस को कम कर सकते हैं। साथ ही उसके इंजन और गियरबॉक्स के बारे में बात करें तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बता दिया कि 124.8 सीसी का इंजन देखने को मिलता है, साथ ही इसमें आपको 5 स्पीड गियरबॉक्स देखने को मिल जाता है। इसके अलावा इसके इंजन को आप स्टार्टर जनरेटर से जोड़ा गया है जो 1 टच स्टार्ट के साथ आता है। बेहतर माइलेज के लिए आइडियल स्टॉप और स्टार्ट सिस्टम देखने को मिलता है। इस बाइक में अपने सेगमेंट में पहली बार 2 राइडिंग मोड इको और स्पोर्ट देखने को मिलता है जिसे बाइक को स्विच गियर का उपयोग करके बदला जा सकता है। और वहीं इस बाइक के माइलेज के बारे में बात करें तो आपको कंपनी इसमें जो है क्लेम करती है 67 किलोमीटर पर लीटर, जो कि 125 सीसी सेगमेंट के लिए काफ़ी है, और TVS के लिए इस जो पावर वाली पावरफुल बाइक है इसके लिए तो बहुत ही ज़्यादा माइलेज यहाँ पर कंपनी क्लेम कर रही है। बाकी की ये हो सकता है इको मोड में अगर आप सही से चलाएं, और काफ़ी सारे डिपेंड करता है माइलेज के लिए, तो अगर आप उस सही दौर पे आप सही तरीके से चलाते हैं तो आपको 67 किलोमीटर तक का माइलेज मिल जाएगा जो कि कंपनी बता रही है। बट अगर रियल माइलेज देखें, जैसे कि हम सारे लड़के जो होते हैं एकदम हुड़ चलाते हैं उस तरह के अगर आप देखते हैं अगर राइड करते हैं तो उसमें आपको करीबन 50 या 48 किलोमीटर पर लीटर तक का आपको माइलेज देखने को मिल जाएगा। और वहीं इसका जो टॉप स्पीड वो कंपनी क्लेम करती है 99 किलोमीटर प्रति आवर्स, जबकि ये भी थोड़ा सा और ज़्यादा हो सकता है। जैसे कि जो TVS के अपाची RTR है 160 उसमें भी कंपनी काफ़ी कम माइलेज क्लेम करती है, आई थिंक 107 या 121 ऐसे क्लेम करती है, जबकि मैंने उसको खुद 135 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर चलाया है जबकि 4 साल पुरानी होने के बावजूद। कंपनी का दावा है कि पावर मोड में इको मोड के मुकाबले जैसा कि आपको मैंने बताया कि 10% ज़्यादा माइलेज मिलता है, 0.4 सेकेंड तेज़ भी चलता है इको मोड से। अगर आप पावर मोड में स्विच करते हैं तो 0.4 सेकेंड आपको ज़्यादा तेज़ उसमें देखने को मिलता है, मतलब थोड़ा सा रिस्पॉन्स ज़्यादा करेगा तुरंत। अगर आप एक्सीलरेशन भी देते हैं तो मतलब 1 सेकेंड के अंदर, मतलब मिनी जो सेकेंड होता है उसमें आपको ये चीज़ें देखने को मिल जाएगा। हालांकि अगर आप इको मोड में चलाते हैं तो कंपनी बताती है कि आपको पावर मोड से 3% ज़्यादा माइलेज मिलने वाला है इको मोड में। सस्पेंशन और ब्रेक के बारे में बात करें तो जो सस्पेंशन है फ्रंट में वो आपको 30mm टेलीस्कोपिक फोर्क वाला सस्पेंशन देखने को मिल जाता है, रियर साइड में आपको मोनोशॉक सस्पेंशन देखने को मिल जाएगा जो 5 स्टेप तक आप इसको प्रीलोड एडजस्ट कर सकते हैं। ब्रेक के बारे में बात करें तो जो डिस्क वेरियंट है उसके सामने में आपको 240mm का पेटल डिस्क ब्रेक देखने को मिल जाता है, जो ड्रम वेरियंट वाला बाइक है उसमें आपको 130mm का ड्रम ब्रेक फ्रंट में देखने को मिल जाएगा, रियर में 130mm का ड्रम ब्रेक देखने को मिल जाएगा। TVS रेडर भारतीय बाजार में पल्सर 125, बजाज NS125 और होंडा SP125, होंडा साइन और हीरो ग्लैमर जैसे मॉडल को टक्कर देने के लिए उतारी गई है। वहीं अगर इस बाइक के सीट हाइट के बारे में बात करें तो इसका सीट हाइट 780mm दिया गया है। वहीं अगर इसके ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में बात करें तो 180mm का ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छा ग्राउंड क्लियरेंस इसमें दिया गया है। ऑफ रोडिंग भी इतने ग्राउंड क्लियरेंस में काफ़ी आराम से किया जा सकता है, हालांकि ये कम्यूटर बाइक है बट अगर आप चाहें तो कहीं भी इसको लेके जा सकते हैं। वहीं इस बाइक के कुछ डायमेंशन के बारे में बात करें तो जैसा कि यहाँ पे आपको व्हील बेस 1326mm देखने को मिलेगा, बाकी का जो है आपको स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैं स्क्रीनशॉट लगा दे रहा हूँ। बाकी इसमें आपको जो टायर साइज है वो आपको 80x100x17 सेक्शन का आपको ट्यूबलेस टायर देखने को मिलता है, जो 17 सेक्शन है वो आपका व्हील का साइज हो गया 17 सेक्शन का, आपको 17 इंच का आपको व्हील देखने को मिलता है। तो फ्रंट में आपको 80x100 का ट्यूबलेस टायर देखने को मिल जाता है, रियर में आपको 100x90 का 17 सेक्शन का आपको ट्यूबलेस टायर देखने को मिल जाता है। इस बाइक में आपको 4 कलर ऑप्शन देखने को मिलता है जैसा कि मैंने पहले बताया था, तो यहाँ पे आप अभी स्क्रीन पे देख सकते हैं चारों बाइकों को एक साथ, जैसा कि येलो, रेड, ब्लू और ब्लैक, ये 4 कलर ऑप्शन के साथ इस बाइक को उतारा गया है। वहीं अगर इसके प्राइसिंग के बारे में बात करें तो जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया कि जो ड्रम ब्रेक वेरियंट है उसका 77,500 रुपये एक्सरूम प्राइस पड़ेगा, और जो डिस वाला ब्रेक है उसका वेरियंट का प्राइस है 85,469 रुपये 85,469 रुपीज एक्सरूम प्राइस होने वाला है, जो कि ऑन रोड लगभग 1,05,000 के अंदर ही इसका ऑन रोड प्राइस होने वाला है। आखिर में मैं एक चीज़ और बताना भूल गया था, अगर इस बाइक के कार्बो वेट के बारे में बात करें तो इसका जो वजन है 123 kg आपको इस बाइक का कार्बो वेट देखने को मिलने वाला है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन को प्रेस करके रखिए। तब तक के लिए मिलते हैं किसी और वीडियो में नया अपडेट के साथ।